वेलकम बैक टू माई स्पेस, दिस इज हियर द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कि यहाँ पे उसे सीक्वल को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे एडवांस का एक क्वेश्चन लिया हूँ जो सीक्वेंस इन सीरीज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था एडवांस 2015 में और ये सवाल काफी बेहतरीन अच्छे लेवल पे थी। मतलब अगर ये सवाल अगर कर लिया होगा तो बच्चे लोगों की थोड़ी बहुत कंसेप्ट में और भी ये बुस्टअप आ गया होगा। जैसे कि सवाल में पूछा गया हमारे पास है ऑल टर्म्स ऑफ एपी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मारने की कोशिश की है, हमारे बुक में अच्छे तरीके से लिखे होते हैं नॉर्मली जे के क्वेश्चन। ऑल टर्म्स ऑफ एपी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म टू द रेशियो ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज 6:11 एंड 7 टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमारे पास पूछा गया है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। नॉर्मली कोई एक एपी दिया गया है जिसका रेशियो दिया गया है फर्स्ट सेवन टर्म टू द फर्स्ट 11 टर्म, उसका रेशियो 6:11 दिया गया है और उसके बेसिस पे हमसे पूछा गया है कि अगर वो 7 टर्म अगर लाई करता है उस एपी का 130 से 140 के बीच में तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पूछा गया है एंड 7 टर्म इज लाइज बिटवीन, अगर 7 टर्म्स के बारे में पूछा गया है कि लाइज बिटवीन करता है। एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ ठीक से, यही तो है, सही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, नॉर्मली हमारे पास क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले, तो देखते हैं क्या हमारे पास कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली सम के बारे में पूछा गया है, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास SN=n/2 2a+n-1 d होता है। ये तो नॉर्मली सब बच्चे को दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला, दिमाग बोले तो जुबान पे होना चाहिए फॉर्मूला। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और हमारे पास कुछ ऐसा कंसेप्ट कॉर्नर के बेसिस पे नहीं, कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, रेशियो सेवन टर्म फर्स्ट सेवन टर्म S7 अपॉन रेशियो फर्स्ट 11 टर्म, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा 7/2 × 2 a का वैल्यू पता नहीं है इसलिए आगे बढ़ते हैं। n-1 के हिसाब से क्या आएगा 6, चलिए ठीक है 6d। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं n-1 7 टर्म के लिए बोला गया ना, चलिए ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6d। इसको मैं ठीक से साफ कर लेता हूँ, 2a+n-1 मतलब 6 और ये d हमारे पास होगा, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट 11 टर्म के लिए 11/2 और ये क्या हो जाएगा 2 × a+11 के लिए 10d हो जाएगा क्या, चलिए यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद इसका रेशियो किसके बराबर दिया गया है 6:11 के बराबर, चलिए सॉल्यूशन को क्या कर देंगे आगे, ये 2 कटेगा यहाँ से 11 यहाँ से 11 और कुछ कट रहेगा यहाँ पे नहीं, चलिए देखते हैं 7 ऊपर बचा 2a+6d यहाँ तक क्लियर इक्वल टू 6/1 और ये हमारे पास क्या है 2a+10d। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है 7 या फिर क्या सॉल्यूशन आता है 2a+6d यहाँ तक तो ठीक है इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 × 2a+10d। अगर हम यहाँ से कॉमन निकाले 2 क्या हो जाएगा 7, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालते हैं क्या हो जाएगा 14 यहाँ से a+3d और यहाँ से हमारे पास अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और ये हमारे पास a+5d। इससे कुछ भाग बन रहा है क्या, यहाँ से कोई बात नहीं बनते हुए दिख रहा है और 7 टर्म्स बोला गया लाइज बिटवीन, चलिए ठीक है एक रिलेशन फाइंड करते हैं उसके बेसिस पे देखते हैं क्या निकल सकता है। ये हमारे पास 14a, ये हमारे पास 42b इक्वल टू ये हमारे पास 12a, ये हमारे पास 60b, ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a बचेगा इक्वल टू 42 उधर जाते हैं क्या हो जाएगा, या फिर इधर ही सॉल्व कर लो क्या नहीं, चलो ठीक है 2a=2 उधर गया 18b ठीक है। और हमारे पास a = कितना आ गया 9d के बराबर, a = 9d। ये आते ही हमारे रौनक लगने लगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशंस की करीब पहुंचने लगे। अब उसके बेसिस पे आगे बढ़े, हमारे पास क्या दिया गया 7 टर्म्स लाइज बिटवीन 130 एंड 140, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग आगे देखते हैं तो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन में 7 टर्म्स यहाँ पे बोला गया है 7 टर्म्स लाइज बिटवीन 130 टू 140। अगर हम 7 टर्म का बात करें तो 7 टर्म a = 6d लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, ये हमारे पास 130 हो जाएगा, ये हमारे पास
140 हो जाएगा। एक वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करा है, a इक्वल टू 90, ये हमारे पास 90 प्लस 60 और ये हमारे पास इनइक्वालिटीज के बीच में 130 और 140 के बीच में है, तो क्या हो जाएगा 96 15 डी। और किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 130 और 140। अब ध्यान से देखें पूरा इनइक्वालिटीज को अगर हम 15 से डिवाइड करें, ये भी 15 से, ये भी 15 से, ये भी 15 से, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, ये 15 का टेबल में 130 आता है क्या, नहीं 135 आता है, कितने टाइम में, 9 टाइम में, मतलब हमारे पास जो डी निकल रहा होगा डी लगभग हमारे पास 9 के बराबर, क्योंकि 59 जब 135 तो 135 के बीच में ये नंबर है कुछ, क्योंकि हमें बोला गया ऑल टर्म्स इन द एपी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिस कारण से डी भी हमारे पास क्या होगा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो डी इज अ नेचुरल नंबर और डी का वैल्यू भी फाइंड हो गया, बस ये करना था हमारे पास।